अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आपने पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा बंद खिड़कियां की एपिसोड नंबर 22 देखी है। जैसा कि आप जानते हैं, जब सुबूही को डॉक्टर से पता चलता है कि कोई उसको मानव बनने की दवाई खिला रहा है तो वो हैरान हो जाती है और शौक भी। वो सोच भी नहीं सकती कि जैन इस हद तक भी जा सकता है। जैन मुल्क से बाहर जाता है, पीछे से सुबूही के जासूस लगा देता है जो जैन को पूरी पूरी रिपोर्ट देता है, कहाँ जाती है, उसे कौन मिलने के लिए आ जाता है। सुबूही सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसको दवाई खिलाई जा रही है। सुबूही नाराज होकर बाप के घर आ जाती है और बाप के सामने फट पड़ती है कि वो जैन से अलग होना चाहती है। बाप कहता है जैन को थोड़ा सा वक्त दो मगर सुबूही इनकार कर देती है और खुला लेने का इरादा कर लेती है। जैन मोहित काफी चला जाता है कि मेरी सुबूही की सुलह करवा दो मगर वो इनकार कर देता है। जैन की पुप्पी बीच में आ जाती है सुलह करवाने, वो चाहती है कि दोनों का घर बसा रहे मगर जैन अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे पर इल्जाम रख देता है। जैन की लड़ाई सुनकर उसके वालदैन फौरन वापस आ जाते हैं और जैन को इल्जाम देते हैं मगर वो भड़क उठता है। सुबूही के ससुराल वाले सुबूही को लेने आते हैं मगर वो साफ इनकार कर देती है। वो उनको बताती है कि उसने जैन की खातिर सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया था मगर उसने फिर यह हरकत की, उसके पीछे एक जासूस लगा दिया और फिर मुझे दवाई भी देता रहा कि मैं कभी माँ ना बन सकूँ। सब हक्का बक्का हो जाते हैं और जैन को टेरे में खड़ा कर लेते हैं। जैन के वालदैन कहते हैं तुम जहनी मरीज बन चुके हो, तुम्हें अपनी ज़ातों का एहसास नहीं होता। जैन के वालदैन उसकी हर दर्मी के सामने बेबस नजर आते हैं। वो उसको अकेला छोड़कर घर से चले जाते हैं। मिद्दत के बेटे की सालगिरह होती है, जैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। सुबूही को लेने के लिए अलग कमरे में ले जाता है लेकिन बजाय सुलह होने के दोनों में तल्ख कलामी हो जाती। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, मदर के बेटे को चोट लग जाती है और सब वहाँ पर चले जाते हैं। जैन पूरी कोशिश करता है कि हमारी सुलह हो जाए, अपने चचा से थप्पड़ भी खाता है मगर सुबूही अपनी बात पर डटी रहती है। वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और वह अपनी सारी तवज्जो अपनी पेंटिंग पर देना चाहती है। अब ये देखने के लिए जैन अपने मसले कैसे हल कर पाएगा या फिर उसको किसी इलाज की जरूरत पड़ेगी, देखिए एपिसोड 23। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।